नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसकी तस्वीरें लगातार बदलती जा रही हैं। यानी कि किसान आंदोलन की यात्रा वो अलग अलग पड़ावों से गुजर रही है। 26 जनवरी को हमने देखा था कि जो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उसके बाद किसानों का मनोबल बहुत गिर गया, बहुत सारे किसान वापस चले गए। लेकिन फिर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत के आंसुओं ने उस आंदोलन को फिर से खड़ा किया। महापंचायतें हुई और ऐसा लगा कि इस किसान आंदोलन में वापस फिर से जान आ गई है। लेकिन कल से इस किसान आंदोलन की तस्वीरें एक बार फिर से बदली हुई नजर आ रही हैं, और इस बार सोशल मीडिया पर। अगर आपको ध्यान हो, पिछले एक हफ्ते से जो किसान आंदोलन की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, उसमें पूरे विश्व में जिस तरीके की इमेजेस जो सर्कुलेट हो रही हैं, वो क्या है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की साइट्स पर कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और सीमेंट से कीलों को गाड़ा जा रहा है, और सरिया लेकर पुलिस वाले खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रशासन ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से किसानों का शांतिपूर्वक ढंग से चलता हुआ ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें ऐसा लगता है कि काफी महंगी पड़ गई, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के बिना पर CNN ने एक स्टोरी की कि किस तरह से भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन को दबाया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट शटडाउन किए जा रहे हैं, प्रेस फ्रीडम को लेकर काफी सवाल खड़े किए हैं। और इसी CNN की स्टोरी को ट्वीट किया रियाना, यानी कि पॉप स्टार रियाना ने, जिनकी 100 मिलियन से ज्यादा की फॉलोइंग है। और उस एक ट्वीट ने ट्विटर की दुनिया में इस तरीके की आंधी देखने को मिली जो कि बिल्कुल बेकाबू हो गई, क्योंकि रियाना के एक ट्वीट के बाद अब आपको बता दें कि किसने किसने ट्वीट किया, और ऐसे लोगों ने ट्वीट किया जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, जैसे कि मियां खलीफा, मीना हैरिस जो कि कमला हैरिस की भांजी हैं, लिली सिंह जो कि यूट्यूबर कॉमेडियन है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बहुत सारे US जो लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो वहां के नेता हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर ट्वीट किया। और जिस तरीके से ब्रिटेन में ऑनलाइन पिटिशन्स आ रहे हैं प्रेस फ्रीडम और किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ब्रिटिश संसद इस पर अब एक बहस भी करेगा हाउस ऑफ कॉमन्स में, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपके ऑनलाइन पिटिशन में 1,00,000 से ज्यादा सिग्नेचर्स होती हैं तो उस पर जल्द ही बहस होती है। तो ये भी खबरें आ रही हैं। तो यानी कि किसान आंदोलन से जो जुड़े विरोध प्रदर्शन है, प्रेस फ्रीडम है, मौलिक अधिकार है, उसको लेकर भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में खराब हो गई। और अब आपको बता दें कि इसके बाद क्या हुआ, विदेश मंत्रालय कूद पड़ा। पिछले 24 घंटों में आपने देखा है कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया, और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये कहा कि भारत के संसद ने इन कानूनों को पास किया है और ये किसानों के हित में है, और जिन सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया जो स्टार्स हैं जिनको इस प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं है, और कि जो किसानी और खेती के मुद्दे जो नहीं जानते हैं, उनको ऐसे सेंसेशनलिस्ट कमेंट करने से बचना चाहिए। तो इसे एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री ने बोला, रिएक्ट किया। उसके बाद जो MEA के स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ट्वीट किया। तो बिल्कुल पूरी डिप्लोमेसी इसमें कूद पड़ी डैमेज कंट्रोल में, क्योंकि तमाम विदेशों से अब इस बात की आलोचना होने लगी कि जो किसानों का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं इसको सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन हाय तौबा कब मची, जब क्लाइमेट चेंज की जो एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, 17 साल की ग्रेटा ने भी ट्वीट किया, और साथ में उन्होंने एक टूल किट को अटैच किया, और उस टूल किट के डॉक्यूमेंट को अगर आप खोलें तो वो आपको 7-8 पॉइंट्स में ये बताता है कि अगर आप किसानों के प्रदर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। और उसमें 3-7 चीजें हैं, जैसे कि आप डिजिटल स्ट्राइक करें, एम्बेसीज के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन करें, और बाद में जो चीजें लिखी गई हैं कि जो सोशल मीडिया और जो पूरा जो सोशल मीडिया का टेम्पलेट है और जो पूरा कैंपेन मटेरियल है इस टूल किट का, उसे तैयार किया है कनाडा की एक संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को लेकर काफी सवाल पहले भी खड़े हुए हैं, क्योंकि CA के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने काफी सक्रिय रही ये फाउंडेशन, उसके बाद कोविड के टाइम में भी इन्होंने काफी भारत के बारे में अनाप शनाप चीजें लिखी। तो ये सारी चीजें आज इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन
भारत की सरकार ने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी खड़ी की, जिसे कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया टुगेदर के हैशटैग से इसको काउंटर किया गया ट्विटर पर। ट्विटर की आंधी को भारत सरकार ने ट्विटर के द्वारा ही इसको काउंटर करने की कोशिश की, और उसमें जो हिस्सेदार थे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और इसके अलावा भारत सरकार के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसमें जुड़ गए। यहां तक कि गृहमंत्री अमित शाह ने बाहर निकलकर ये भी स्टेटमेंट दिया कि आज एक प्रोपेगेंडा भारत की एकता और प्रभुता को खत्म नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में और इन कानूनों के विरोध में वो लोग भी बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण का हमें जानना पड़ेगा कि ये सरकार की क्यों इतना थकाव और पकाव वाली नीति पर चल रहे हैं। कोई भी आंदोलन लंबा चलता है तो लोगों की, पूरे विश्व की इस पर नज़र है, पूरे देशवासियों की इस पर नज़र है, लोग अपनी राय दे रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का मामला, इसको सरकार क्यों लटका रही है थकाव और पकाव की नीति पर जो चल रही है। 70 दिन से ऊपर अच्छी बात नहीं है, 200 के आसपास लोगों की जाने जा चुकी हैं, सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। सरकार से निवेदन है कि किसानों की बात माने, और ये जो लोग को मौका मिल रहा है बाहर के लोगों को भी अपनी राय व्यक्त करने का, कहीं अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स भी इससे इसमें पहले बहुत अपनी राय दे चुके हैं, वो चीज़ें ना होने दें, वो उनको लोगों को मौका ना दे बोलने का। अब इसकी जांच पड़ताल होगी कि क्या वाकई में ग्रेटा थनबर्ग इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको पैसे मिले होंगे। यही चीज रियाना के लिए कही गई कि उनको पैसे मिले होंगे ट्वीट करने के लिए, तो ये अब एक जांच का विषय है। लेकिन जो इस समय बड़े सवाल है कि ये जो आंदोलन जो अभी तक जमीन पर चल रहा था वो आंदोलन अब सोशल मीडिया पर इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि अब ये पूरा मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अब यूके की पार्लियामेंट है वो भी इस पर बहुत जल्द बहस शुरू करेगी, यानी कि सरकार ने किसानों के आंदोलन की ताकत शायद अभी तक नहीं समझी और गलती पर गलती उन्होंने किया। पहले इस पूरे किसान आंदोलन, किसानों को गलत बताया कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, फिर किसानों को डिस्क्रेडिट किया, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया, उसके बाद मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और जब अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी गूंज अब जब तेज हो गई है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भारत सरकार तो फेल हो ही गई है, साथ में डिप्लोमेसी भी फेल हो गई है। और डिप्लोमेसी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज विदेश मंत्रालय को इस प्रोपेगेंडा में कूदने की क्या जरूरत थी। अगर विदेश मंत्रालय का आप काम देखें तो वो ज्यादातर जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं या दोनों जो दो देशों के जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा तो उस पर रिएक्ट करने का काम डिप्लोमेटिक लेवल पर विदेश मंत्रालय का होता है। लेकिन एमईए ने जिस तरीके से इन ट्वीट्स पर रिएक्ट किया है, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं, एमईए एक मूक दर्शक तो नहीं बन सकता था, भारत की छवि खराब हो रही है तो इसमें एमईए को बोलना था, इसमें ऐसे बहुत सारे जो डिप्लोमैट्स हैं उनका ये भी कहना है। लेकिन ऐसा एक बड़ा तबका है जो कि इस बात को कह रहा है कि इस मीडिया के प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विदेश मंत्रालय उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। और आखिर अब जो बड़ा सवाल है कि क्या भारत डर गया है कि किसान आंदोलन अब पूरी तरह से इंटरनेशनलाइज हो गया है। भारत की अगर आप देखें तो भारत ने म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उस पर भारत ने कमेंट किया है, कैपिटल हिल बिल्डिंग पर जब हिंसा की वारदात हुई थी तब भारत ने कमेंट किया था, उसी तरीके से श्रीलंका में जो तमिल्स जिस तरीके से मारे गए उनको लेकर, श्रीलंका के एपिसोड्स को लेकर भारत ने कमेंट किया है। तो आज बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन की जो आलोचना है क्या वो सरकार और विदेश मंत्रालय आज इस चीज को क्यों नहीं पचा पा रहे हैं, तो ये एक इस समय बड़ा सवाल है। और इससे भी जो बड़ा सवाल है कि क्या आज हमारी डिप्लोमेसी, हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो क्या उसने एक बचकानी हरकत की है इस तरीके के इंटरनेशनल ट्वीट्स को पर रिएक्ट करने से। तो ऐसा लगता है कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक बहुत ही बचकानी हरकत रही है। इसको लेकर जो पूर्व गृह मंत्री है पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कहा है इस बात को लेकर, काफी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है। भाई ये एक नया दस्तूर कुछ शुरू हुआ है, लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एमईए ने जो रुख अपनाया रिस्पांस का वो अब कितना इफेक्टिव होगा।
आज की दुनिया नई दुनिया हो गई है। सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है और पब्लिसिटी का। और तो सोशल मीडिया पर जाने में तो कुछ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो गए नहीं, उन्होंने तो स्टेटमेंट इशू करी। दारोमदार तो वही है कि कितना इफेक्टिव होगा जो इन्होंने स्टेटमेंट इशू करी है, और उसके बाद जो भी जो भारत में इस पे प्रक्रिया हुई उसका कितना असर पड़ेगा, और उस नई दुनिया के नए दस्तूर हैं। अब नए दस्तूर अब में तो कुछ बुराई नहीं है, सब समय के साथ चीजें बहुत बदलती हैं, लेकिन हमेशा ये सोचना पड़ता है कि वो इफेक्टिव कितना है। जो हम रुख जो हमने नीति अपनाई है, जो अप्रोच अपनाई है, उसका असर क्या पड़ा है। अब किसान आंदोलन को षड्यंत्री ताकतों का शिकार जो लोग बता रहे हैं, वो केंद्रीय एजेंसीज का काम है कि वो इस बात को लेकर पड़ताल करें और देखें कि क्या वाकई में ये किसान आंदोलन किसी षड्यंत्री ताकतों का हिस्सा बन चुका है। ये जांच का विषय है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, यानी कि किसानों का विरोध प्रदर्शन, आज किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस की आजादी, ये सारे मुद्दे ऐसा लग रहा है कि सरकार इन बेसिक मुद्दों से हटकर इस पूरे आंदोलन को अब तितर बितर करना चाहती है। लेकिन कुछ बातें यहां पर समझने की है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो बाहरी देश है उनकी आलोचना से बहुत डरती है। जिस तरीके से एमईए ने पिछले 24 घंटे में रिएक्ट किया है और पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ा हो गया। कई लोग आईटी सेल के, बीजेपी के, ऐसा बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से बीजेपी की आईटी सेल में लोग सोए नहीं हैं। तो यानी कि जो विदेशों से, खासकर अमेरिकन और यूरोपियन नेशन से, अगर इन बातों की आलोचना होती है तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार डर जाती है। और एक चीज और है, जिन लोगों का एक सोशल कैपिटल है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जैसे रियाना या ग्रेटा थानबर्ग, आप आज उन लोगों को ये कैसे कह सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर ना बोले या किसानों के मुद्दे पर चुप रहें? ये एक सोचने वाली बात है। यानी कि रियाना के एक ट्वीट ने भारत की सरकार को, उसकी डिप्लोमेसी को, उसके प्रोपेगेंडा मशीनरी को बिल्कुल फेल कर दिया है। और एक चीज और जो यहां पर गौर करने वाली है, 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं रियाना के, और जिस तरीके से रियाना ने किसान आंदोलन पर एक ग्लोबल डायलॉग शुरू किया है, उसके एक ट्वीट ने ये पूरा ग्लोबल डायलॉग अब शुरू किया है, तो अब इससे ऐसा लगता है कि अब ये चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 2 महीने की अगर आप यात्रा देखें इस किसान आंदोलन की, तो सरकार, संसद, कूटनीति, प्रोपेगेंडा मशीनरी सब ने किसानों को गलत ठहराया है। लेकिन अब देखना यह है कि ग्लोबल लेवल पर अब जब इस किसान आंदोलन की चर्चा शुरू हो गई है और डोमेस्टिक लेवल पर जो महापंचायतें हैं वो इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, तो देखना यह होगा कि वाकई में क्या ये किसान अपने हक की लड़ाई जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। लेकिन एक बात आपको चलते चलते भी बोलना चाहती हूं कि आज बॉलीवुड में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज किसान आंदोलन के साथ आपको खड़े नजर आएंगे। शायद उंगलियों पर आप ऐसे नाम गिन सकते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं शायद उनको अपने भविष्य की पड़ी है कि उनका फिल्मी भविष्य खतरे में आ जाएगा अगर आज वो किसानों के साथ खड़े हुए। तो आप ये सोच सकते हैं कि रियाना या ग्रेटा थानबर्ग, रियाना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और मैंने बॉलीवुड का जिक्र किया, तो रियाना के एक ट्वीट में कितनी ताकत है, वहां के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ताकत उस एक ट्वीट से पता चलती है। इस पर आप भी गौर करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @Neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।